Assalamualaikum dear students, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। Dear students, हमारा next topic है galvanometer। इससे पहले हमने galvanometer पढ़ा और galvanometer के अंदर हमने ये पढ़ा कि galvanometer करंट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। galvanometer just detect the current। galvanometer से हमें ये पता चलता है कि किसी सर्किट में करंट है या नहीं है, लेकिन किसी सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। अब हमने क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम था, इस सेंसिटिविटी को किसी तरह से हमने सेट करना होगा कि जो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट पर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, एक तो इस सेंसिटिविटी को हम रिमूव करें और दूसरा ये है कि हम करंट की मेजरमेंट कर सकें। डिटेक्शन से तो हमें पता चल गया गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन से क्या हो गया, ये कंफर्म हो गया करंट है या नहीं, लेकिन करंट सर्किट में कितना है ये चेक करने के लिए आज हम इस गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे। तो व्हाट इज एमीटर, पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखिए जब आपके पास एमीटर है, इसमें एक है आपके पास एम, दूसरा है आपके पास मीटर। एम का मतलब ये होगा एम्पियर, एम का मतलब एम्पियर, और मीटर का मतलब होगा मेजरमेंट, मीटर का मतलब मेजरिंग डिवाइस हो गया। अब एमीटर इज अ डिवाइस, को डिफाइन करते हैं। डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पियर्स, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन एम्पियर्स, मतलब ये हमारे पास बहुत जबरदस्त डिवाइस हो गया कि ये करंट को एम्पियर्स के अंदर मेजर करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या था, गैल्वेनोमीटर तो फ्यू माइक्रो एम्पियर्स पर लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता था, तो माइक्रो नहीं मिली नहीं बल्कि ये तो करंट को एम्पियर्स के अंदर भी मेजर कर सकता है। क्या चीज है एमीटर हमारे पास, असल में एमीटर भी गैल्वेनोमीटर ही है, एमीटर भी गैल्वेनोमीटर भी ही है, लेकिन इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो एमीटर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या चीज है आपके पास, ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर, मॉडिफाइड फॉर्म है, तो क्या मॉडिफिकेशन करेंगे हम एमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन करेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाए। बच्चों हम करते ये हैं कि एक लो पास जिसे शंट भी कहा जाता है, बाईपास रेजिस्टर भी कहा जाता है, सो एक लो पास शंट स्मॉल रेजिस्टर, ये जो आपके पास लो पास या शंट जो है, बाईपास भी इसको बोलते हैं, तो इसको बल्कि बाईपास भी बोलते हैं, तो ये जो लो पास शंट या स्मॉल रेजिस्टर, इसको हमने करना है कनेक्टेड पैरेलल टू मीटर मूवमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की जो मीटर मूवमेंट है, उस मीटर मूवमेंट के साथ हमने क्या करना है, एक लो बाईपास, एक शंट रेजिस्टर, एक स्मॉल रेजिस्टर को पैरेलल जोड़ देना है। ओके, अब ये मीटर मूवमेंट क्या चीज है, मीटर मूवमेंट क्या चीज है, अभी जो हमने वर्ड यूज किया है मीटर मूवमेंट के साथ, हमने मीटर मूवमेंट के साथ उस स्मॉल रेजिस्टर को पैरेलल कनेक्ट करना है, तो ये मीटर मूवमेंट क्या है। बच्चों ये गैल्वेनोमीटर का वो पोर्शन है जो किस पर कंसिस्ट करता है, स्केल पर कंसिस्ट करता है और नीडल पर कंसिस्ट करता है। पोर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, वो गैल्वेनोमीटर का पोर्शन जिसमें क्या होता है, स्केल होता है और नीडल होती है। तो इसको डिफाइन करते हैं मीटर मूवमेंट, ये आपके पास है पोर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर हूज मोशन कॉज टू मूव नीडल अक्रॉस द स्केल। तो गैल्वेनोमीटर का वो हिस्सा जिसमें क्या होगा, पोर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर जिसकी मोशन से
नीडल स्केल के ऊपर मूव करती है वो वाला पार्ट क्या है, वो पार्ट हमारे पास है मीटर मूवमेंट। तो हमने क्या काम करना है, हमने अब मीटर मूवमेंट के साथ क्या कनेक्ट कर देना है, एक लो बाईपास रेजिस्टर कनेक्ट कर देना। देखो बच्चों, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर की मीटर मूवमेंट, इस मीटर मूवमेंट के साथ आपने पैरेलल एक लो बाईपास रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, ये आपके पास लो रेजिस्टर, बाईपास रेजिस्टर, शंट रेजिस्टर, इसको हम आर एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर का मीटर मूवमेंट वाला पार्ट है, ये आपके पास स्केल आ गया, ये गैल्वेनोमीटर आ गया। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास होगी आर जी, और ये आई जी करंट पर, आई जी क्या है, ये वो करंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करता है। ओके जी, अब हमने क्या करना है, हमने बच्चों इस गैल्वेनोमीटर को, ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाइड करना है। मॉडिफिकेशन क्या हमने की, गैल्वेनोमीटर की मीटर मूवमेंट के साथ एक लो बाईपास एक शंट रेजिस्टर हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल करंट कंडक्ट करने से हुआ ये कि अब ये रेजिस्टर जो है ये क्या कर रहा है, एक बाईपास का काम देता है। जिस तरह से ये ट्रैफिक में होता है ना, हर शहर के बाहर एक बाईपास बना होता है, और वो बाईपास क्यों बनाया जाता है, ताकि ज्यादातर ट्रैफिक जो है वो वहां से गुजर जाए। सेम यहां भी इसका यही काम है कि ये जो हमने बाईपास रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, जो शंट रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस्तेमाल किया है कि ज्यादातर करंट जो है इस शंट में से गुजर जाए, और गैल्वेनोमीटर में से उतना ही करंट गुजरे जहां पर वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करता है। बच्चों सपोज करते हैं, कि आई हमारे पास वो करंट है जिस आई आपके पास ये वो रेंज है जिस रेंज का हमने एमीटर बनाना है। आई आपके पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर की वो रेंज है जिस रेंज का हमने एमीटर बनाना है। ओके, फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 10 मिली एम्पीयर। ये कितना है हमारे पास, 10 मिली एम्पीयर है। होगा ये बच्चों कि आपके पास एक आम हिसाब किताब है कि आपके पास ये जो करंट आई है, इस आई करंट का जो आई जी हिस्सा है, आई जी करंट गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा, और बाकी करंट जो बचेगा, अब वो बाकी करंट कितना बचेगा, बाकी करंट जो है वो कितना बचेगा, टोटल करंट आपके पास क्या है, आई। अब इस टोटल आई करंट में से आप क्या करें, आई जी को निकाल दें, बाकी जो बचेगा वो इस शंट में से गुजरेगा, मतलब इसमें से कितना करंट गुजरेगा, आई माइनस आई जी। कितना करंट गुजरेगा, आई माइनस आई जी, मतलब ये शंट रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट है जो किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आई माइनस आई जी। जी बच्चों, तो आपके पास इस शंट में से कितना करंट गुजर रहा है, आई माइनस आई। एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे कि ये जो आपके पास गैल्वेनोमीटर की मीटर मूवमेंट है, ये 1 mA पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। कितने एम्पेयर, 1 mA पर। तो यहां से कितना गुजरेगा, इसमें से 10 mA में से 1 mA निकाल दो, तो बाकी कितना बच गया आपके पास, 9 mA। तो 9 mA करंट जो है इस शंट में से गुजरेगा। अब बच्चों हमने देखना ये है कि हम किस रेंज का, अगर आपको बता दिया जाए कि गैल्वेनोमीटर में से इतना करंट गुजर रहा है, गैल्वेनोमीटर की इतनी रेजिस्टेंस है, और आपने जो इसको मॉडिफाइड करके एमीटर में जो चेंज करना है, तो आपने ये बताना है कि एमीटर कितनी रेंज का बनाएंगे और कितनी उसके साथ आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे, इस शंट की रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, और रेजिस्टेंस मालूम करके बता देंगे कि हमें यहाँ पर अगर इतनी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो हम इतनी रेंज का ये एमीटर बना देंगे। देखें बच्चों कि ये दोनों रेजिस्टर्स, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस आर जी, इस शंट की रेजिस्टेंस आर एस, ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट रेजिस्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ओके, वी किसके बराबर होता है, वी हम लिखते हैं आई आर।
लेकिन शंट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, शंट में से करंट फ्लो कर रहा है आई माइनस आई जी, और इधर आ जाएगा शंट रेजिस्टेंस आर एस। गैल्वानोमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है आई जी, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है आर। तो हमने तो शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो शंट रेजिस्टर आर इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। ओके जी, अगर आपको गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दे दी जाए, आपको गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस दे दी जाए, गैल्वानोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो करंट है वो आपको बता दिया जाए, और आपको कहा जाए कि फलां एम्पीयर का, 5 एम्पीयर 10 एम्पीयर का आपने क्या बनाना है, आपने एमीटर बनाना है, तो हमें किस चीज की जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी इस शंट रेजिस्टर की, कि आया कि कौन सा कितनी रेजिस्टेंस का रेजिस्टर इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल जोड़ेंगे और ये एमीटर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपके पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर, दैट इज कॉल्ड एमीटर। अब सर्किट के अंदर जब भी करंट फाइंड करना होता है, टू फाइंड करंट जब भी हमें किसी सर्किट में करंट फाइंड करना होता है, करंट किस कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट चेंज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। इसका मतलब अगर हम इस एमीटर को क्या करें, सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ देंगे, तो फिर करंट की एक्यूरेट मेजरमेंट हम कर सकते हैं। टू फाइंड करंट, करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट एमीटर इन सीरीज इन द सर्किट। तो जिस सर्किट में आप करंट फाइंड करने जा रहे हैं, उस सर्किट के अंदर आप इस एमीटर को कैसे कनेक्ट कर देंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अच्छा बच्चों, अच्छा एमीटर रेंज बढ़ाने के लिए, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टू इंक्रीज रेंज ऑफ एमीटर आर शुड डिक्रीज। हमें क्या करना पड़ता है, शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इसकी एमीटर की रेंज ज्यादा से ज्यादा हो, कितनी ज्यादा हो, जितनी इसकी रेंज हम बढ़ाना चाहेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि कम से कम पोटेंशियल इस रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो, कम से कम करंट डेसिपेट हो। ओके बच्चों, जो आइडियल हमारे पास होता है, आइडियल एमीटर कौन सा होता है, आइडियल एमीटर बच्चों ऐसा होता है जिसकी शंट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जीरो हो। आइडियल एमीटर कौन सा होगा, जिसकी शंट रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। ओके, इसके अलावा बच्चों फॉर आम तौर पर हम क्या करते हैं, जस्ट एक कॉपर वायर रेजिस्टर लगाने की बजाय क्या करते हैं, एक कॉपर वायर कनेक्ट कर देते हैं, कॉपर वायर कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वानोमीटर। हम सिंपल क्या काम करते हैं, गैल्वानोमीटर के साथ एक कॉपर की वायर जो है वो पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, उससे क्या होता है हमारे पास एक अच्छा एमीटर बन जाता है, एक अच्छी रेंज का एमीटर बन जाता है। तो ये था बच्चों आपके पास गैल्वानोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एमीटर, जिसके अंदर हमने क्या किया है, करंट को एम्पीयर्स के अंदर मेजर किया। वो करंट जो गैल्वानोमीटर नहीं मालूम कर सकता था, तो गैल्वानोमीटर के ही अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक मॉडिफाइड फॉर्म बना ली, जिसे हमने क्या नाम दिया, एमीटर का नाम दिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम वोल्टमीटर और ओममीटर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।